इसी के तरह से मैं हर दिन चंदन वंदन करता हूँ क्योंकि हमारे बीच में आके इन्होंने मार्गदर्शन करने जा रहे हैं। दूसरा चीज हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो हम लोग एकत्रित होते हैं ये सबसे पहले मैं आपने इस सिस्टम के एक्स कंपनी के सबसे बड़े सोच जिन्होंने सोचे थे कि हम संयुक्त भारत करेंगे, मैं सबसे पहले मैं उनको मान्य हमारे इस कंपनी के चेयरमैन यशवी सिंह को मैं सौ सौ धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को पूरे भारत में इसको एक अग्निरूप की तरह में उभार दिया। आज जो भी सर हमारे बारे में सर बताए कि ये मेडिकल हॉस्पिटल है, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है, ये सभी उन्हीं का देन है, यशवीर सिंह का भी देन है जिन्होंने आज भारत में ऐसी बहुत सी आयुर्वेद कंपनी है, लेकिन सबका अलग अलग डिविजन है, सबका क्या क्या करना है, किसी व्यक्तिगत किसी भी कंपनी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि जिस जमा को रहता है धन वह उस घर को अपना सारा सुथरा समझता है। तो मैं एलेक्स के बारे में बताऊंगा कि आज मैं लगभग डेढ़ साल से मैं खुद चूंकि नेटवर्क क्षेत्र से अलग रहना चाहता था, लेकिन आज हमारी श्रीमती मैडम का देख रहे हैं कि आप इसी कड़ी में हम और साथ बात करते आ रहे थे कि इस एलेक्स कंपनी में हमारी मैडम ही सबसे पहले अपॉर्चुनिटी रखी थी। हम खुद इस चीज से बावर्ची से पीड़ित थे, हम कई ऐसे डॉक्टर से दिखा चुके थे, आपका बेगूसराय अच्छे अच्छे डॉक्टर, हमको कोई दिक्कत पैसा नहीं मिला था, हम वही कोरोना होता था कभी मेरा चलने का साहस भी नहीं होता था, दिक्कत होता बहुत बड़ा था, तो लोगों का हमको ले गया एक बेगूसराय है डॉक्टर है पर क्या वो बाबा जी का कुछ देख देते हमको इतना डर लग गया उससे पूछे वो क्या कैसे था बोले भाई आपका ये कैसे कैसे होगा, तो बोला देखिए कैसे कैसे होगा आपको देखने तो देखा नहीं वो करा के निकला तो हम पूछे उसे क्या क्या होता है, बोला कि ये जो है ना ये जो भूत टाइप का अच्छा टाइप का या कुछ भी होगा वो मेडिसिन था पूरिया बोला तीन दिन खिला के उसके बाद हम आए, बोले उसके बाद क्या करेगा, बोला उसके बाद जो ऊपर लेटा रहता है इतना वो दस्ताना बांध के आप अंदर घुसा के उसको क्या क्या हम था आप ही देख के हमको लगा था कि तो हम मरिए रह गए, हम बोले कि आपको सर बहत्तर घंटा ही खाना है तेरे हम सर हमको दे दीजिए हम चल गए, हम ये समझे उनके अभी के भाग गए साला मर जाएंगे लेकिन हम यहाँ आएंगे नहीं यहाँ दोबारा इसी क्रम में हेमोपैथ से हम गए दवा लेने के लिए। हेमोपैथ से क्या होता था वो खाते थे जब तक उसका आधा रेगुलर खाते गए ठीक रहते फिर साला वही हाल हो जाता दो दिन चुप जाता फिर वही हाल हो जाता क्या हम क्या करें, तो लोगों को सबसे अपमानित वो बहुत ही शानदार लीडर है वो हमारे बीच में वो उधर आए थे और हमको विजिट किए वो बताया हमको कि सर आप एक पैरों का टेबलेट ले लीजिए और एलोवेरा जूस दे दिए थे आपको त्रिफला दे दी थी ऐसे ऐसे तीन चार प्रोडक्ट दिए हम उसको यूज किए मात्र सर हम एक सप्ताह यूज किए एक सप्ताह में ही हमको ना इतना अच्छा मतलब फील हुआ जो हमें ये पूरा शरीर पकड़े में रहता था सर धरे में रहता था ड्यूटी जाते थे छलाली में चक्का देने चक्कर में जो माथा इतना हेडेक रहता था कि सही से हो नहीं पाता था कभी इधर खसक जाता था कभी उधर खसक जाता था बहुत टेंशन लाए रहते थे, लेकिन ये मेडिसिन लेने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा फीलिंग हुआ ड्यूटी में भी जाते थे तो अच्छा लगता था नहीं तो हमारे सीनियर डीएम भी आके बोलता था यार इसको आज हमने उनको निकालना है इतना चीज मर जाता था पक्षा था यहाँ अब होगा होगा सर नहीं होगा के बारे में देखेंगे बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ता था वो जाने दीजिए वो उधर जाता था। जब हमें इस मेडिसिन पे विश्वास जगा कि नहीं गड़बड़ है तब मैडम बोली कि क्यों ना आपका सही सलामत है कहीं एक दो और पेशेंट दे दीजिए ट्रैक कर लीजिए आपको अच्छा रहेगा तो आपका अच्छा फीडबैक भी था। इससे पहले मैं भारतीय जीवन बीमा निगम का बहुत सा अच्छा काम किए थे और बहुत सा वहां भी हमने बहुत अचीवमेंट लिए थे और मेरा गड़बर भी बहुत ताजा और मैं बोली कि ठीक है आप इसको करके देखिए कुछ दिन इसी तरह से सर धीरे 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 करते 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 वैसा कोई आदमी नहीं मिला इस क्षेत्र में इस नेटवर्क क्षेत्र में आपका दो तीन चीज और
बना खा रहा था, ये आपका ईमानदार। दूसरा चीज है कि आप जिन लोगों से वादा करते हैं उन लोगों के साथ जो आपका कमिटमेंट है, 100% चाहिए कि हम लोग उनको कमिटमेंट को पूरा करें, तभी लोग इस फील्ड में टिक पाता है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा है ईमानदारी।